तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक जरूर देख कर जाएँ ताकि आप सबको पूरा का पूरा आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इसके लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। आप सभी लोग दोस्तों इस जगह से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इनको देख सकते हो, राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का हम हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसकी तैयारी कैसे कर लेनी चाहिए। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख सकते हो, A to Z क्वेश्चन आप सबसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ से आप सबको बताया जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और आप सबको दोस्तों इसकी तैयारी को कैसे कर लेना चाहिए। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देख कर जरूर जाएंगे ताकि आप सबको ये पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर की शुरुआत होती है, देखिएगा पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का और समय दिया जाएगा 3 घंटे का। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, पूरा का पूरा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं का देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है एक गीत कविता में समय को माना गया है, तो यहाँ से आपको लिख लेना दोस्तों परिवर्तनशील। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अचिंतित कर कहा है जिसका अर्थ होता है। देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों इसमें से आपको लिख लेना है अर्थहीन। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से आपको दोस्तों लिख लेना प्रिय प्रवास। और उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से आपको लिख लेना प्रताप नारायण मिश्र। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से आपको लिख लेना लगभग 700 कुएं थे और संपादन के तत्वों में वस्तुपरकता का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है यहाँ से आपको लिख लेना प्रामाणिकता। और उसके अलावा आगे देख सकते हो यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहले में दोस्तों आपको लिख लेना है आनंद रतन यादव। उसके अलावा दूसरे में आपका आ जाएगा जिज्ञासा और तीसरे में आपका आ जाएगा जुगुप्सा। और इसके अलावा दोस्तों अगले में आ जाएगा आपका भारतेंदु युग। उसके अलावा पाँचवें में आपका आ जाएगा पहलवान की ढोलक। और उसके अलावा अगला दोस्तों जो लिखा है 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपका आ जाएगा उदारता। और उसी के अलावा 7 नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है इसमें आ जाएगा आपका राही। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लेंगे और आगे देख बढ़ते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपसे सही जोड़ी पूछी गई है, सही जोड़ी का मिलान करते हैं। तो सही जोड़ी में आपका पहले का मिलान दोस्तों आपका घासे हो जाएगा और दूसरी का मिलान दोस्तों आपका पहली के मिलान घास से, दूसरी का आपका जा से हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो दे रखा है इसकी जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका कहानी का 6 नंबर से हो जाएगा। और उसके अलावा अगला सिल्वर वेडिंग, देखिएगा ये जो लिखा है 4 नंबर पे, इसकी जोड़ी का मिलान आपका 4 नंबर से कर लेना है। इसकी जोड़ी का नंबर आपको 4 लगा लेना है। बुरी तरह हारना 5 नंबर पे जो लिखा है इसका जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका खासे हो जाएगा। और 6 नंबर की जोड़ी का मिलान आपको का से कर लेना है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग जोड़ी का मिलान कर लें और आगे दोस्तों इस प्रकार से आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला नंबर का आपका सत्य है, दूसरे नंबर का भी आपका सत्य है और तीसरे नंबर का भी दोस्तों आपका सत्य होगा और 4 नंबर का दोस्तों आपका असत्य होगा, 5 नंबर का भी आपका सत्य है और 6 नंबर का आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और आगे देख सकते हो यहाँ से एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। एक वाक्य में उत्तर को देखा जाए तो किस प्रकार से आपको देखना है, पहले क्वेश्चन को देख सकते हो, रेखा चित्र अंग्रेजी के किस शब्द का अनुवाद है, तो यहाँ से दोस्तों आपको लिख लेना है स्केच। किसका अनुवाद है दोस्तों, स्केच का। वर्ण किसे कहते हैं, तो देखिएगा दोस्तों शब्द के अंश को वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, में शैली का प्रयोग किस लेखन में किया जाता है, तो देखिएगा इसमें आपको लिख लेना है अप्रत्याशित लेखन शैली में। उसी के अलावा जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुँचे तो उनकी दशा कैसी थी, तो देखिएगा इसका उत्तर आप सभी लोग इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा ने भक्तिन ने नामकरण का क्या देखकर किया होगा, तो देखिएगा इसमें आपको लिख लेना सेवा भाव और उनकी गले की कंटी को देखकर। अगला क्वेश्चन, प्रातःकालीन नीला आकाश किस तरह का दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा नीले शंख के जैसा दिखाई दे रहा है।
अगला क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि की हताशा और निराशा का क्या कारण है? तो यहाँ से आपको लिख लेना है परिवार से बिछड़ना। और उसी के अलावा आगे के क्वेश्चन को देख सकते हो, यहाँ से आप सभी लोग भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? प्रयोगवादी कवि की कौन सी कोई दो विशेषताएँ, भक्तिम के चरित्र की दो विशेषताएँ, संस्मरण और रेखा चित्र में कोई दो अंतर? और उसी तरीके दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबसे पूछे जाएंगे और ये पूरा का पूरा पेपर आप सबका इसी प्रकार का होगा जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से आपको बताया है। तो आप सभी लोग यहाँ से इस पेपर को पूरा देख लेंगे और समझ लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन दोस्तों आप सबसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। तो आप इस आधार पर दोस्तों इसकी पूरी तैयारी को कर लें ताकि आप सभी लोग दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूरे नंबर लेकर आ सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।